तालियों के साथ स्वागत हुआ। खींचो और खींचो, ये देखो आपके सामने हमारी न्यू राम हर हर महादेव के नारे के साथ आज फिर से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले मैं आया था बिजनौर, और मेरे पिछले ब्लॉग में आपने वो सारी चीज़ें देखी होंगी। तो मैं बिजनौर आया था अपनी फैमिली में टाटा ग्रुप से एक मेंबर को जोड़ने के लिए, द बेस्ट ऑफ माय न्यू फैमिली मेंबर, दैट वाज टाटा पंच। और अभी टाटा पंच आपको दर्शन करवाऊँ तो टाटा पंच वहाँ पर हमारी लगी हुई है, दैट वन इज़ टाटा पंच। तो अब टाटा पंच से हम अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई के साथ, आंटी के साथ, सबके साथ मिलकर आए हैं बिजनौर के उसी टाटा शोरूम पे, और फिर से अपने टाटा फैमिली में एक नए मेंबर को जोड़ने के लिए। तो अब मैं इंट्रोडक्शन करवाता हूँ अपने फैमिली के सारे मेंबर से जिनके साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरा नाम शुभम मिश्रा है, और मेरा बहुत मन था कि टाटा की नेक्सॉन गाड़ी लेने का। मुझे लोगों ने बहुत सजेस्ट किया कि आप मारुति में जाओ, होंडा में जाओ, या फिर वॉक्सवैगन में जाओ, बट मेरा दिल ने यही बोला था मुझसे कि मेरे को टाटा ही लेनी है गाड़ी। और मैंने सुनी सबकी, लेकिन करी मैंने अपने मन की, मैंने टाटा की ही गाड़ी ली। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब जिस चीज़ पे दिल आए वही काम करना चाहिए। और शुभम भाई एक बात और, अभी वो थोड़ी सी मिस्ट्री रखेंगे कि टाटा की फैमिली से कौन सा मेम्बर हम जोड़ रहे हैं। वो जब वहाँ से पीछे जो गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, उससे जब पर्दा हटेगा फिर हम बताएंगे गाड़ी कौन सी है। तो दैट विल बी मिस्ट्री, लेकिन वो गाड़ी जो है टाटा फैमिली से ही है। हेलो नमस्कार, मैं आप सबका दोस्त सचिन मिश्रा। और जैसे कि मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस ये है कि टाटा कंपनी एक तो हमारी बहुत पुरानी कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, फिर इसके फ्यूचर बहुत बेस्ट है, इसकी मतलब हर चीज़ बेस्ट है टाटा की। तो मैं आप लोगों से ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा कि टाटा को ही चूज़ करें, ठीक है? बहुत बेस्ट गाड़ी है टाटा की। और बाकी हम हमारे शिब्बू भाई बताएंगे थोड़ा सा। तो ये हमारे उज्जवल भाई, शिब्बू भाई, ये मेरा 11th क्लास का फ्रेंड है। ग्रेट। और ये मेरा बहुत पक्का यार है। हाँ, आप कुछ बताओ। क्या बताएं, हमारे दोस्त आज गाड़ी नहीं ले रहा है, हम बहुत खुश है बिल्कुल, वो बाद में रिवील करेंगे हम लोग। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है, मेरा भाई, मेरा दोस्त आज एक नई फैमिली मेंबर और ऐड कर रहा है अपने लाइफ में। यस, और कहते हैं मैं इसकी खुशी में शामिल हूँ, मुझे और ज़्यादा खुशी है इस बात की। आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, शी इज वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी हैप्पी, ब्लेस यू। या ये हुई ना बात।
मेरे पास हैरियर बिल हो गई है, तीन हैरियर का ऑर्डर लगाया था, तीन बिल हो गई हैं। हैरियर का डार्क एडिशन मेरे पास खड़ा हुआ है, सफारी का टॉप मॉडल खड़ा है, जिन जिनके ऑर्डर लगाए हैं वो गाड़ी मिली है, वही है। अगर कहीं दूसरी जगह होगी तो अरेंज करने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली आज फिर हम टाटा नेक्सॉन जो अपनी गाड़ी है मिस्ट्री वो अनवील हो गई है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन टेक्निकल चीज़ें हम जानेंगे और अपने उन्हीं ललित भैया से जिन्होंने मेरी गाड़ी की डिलीवरी के समय में सारा कुछ बताया था। तो ललित भैया वेलकम फॉर योर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डिटेल, बताइए। ये है नेक्सॉन का फेसलिफ्ट न्यू वर्जन है जो स्मार्ट प्लस एस वेरियंट है वाइट कलर में। इसमें जो चेंजेस हैं, एक तो LED DRLs मिल जाएंगी, ये चेंज हुई हैं, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प चेंज हुए हैं और पूरा फ्रंट ग्रिल चेंज कर दिया है इन्होंने। ठीक है सर। अच्छा भैया ये मतलब रिमोट से कंट्रोल्ड है? हाँ, ये जो चीज़ें ऑन हुई हैं ये होम लैंप है। ओके, इससे आप गाड़ी सर्च कर सकते हैं अपने कहीं भी। अच्छा, जहाँ पे भी अपनी गाड़ी वो सर्च हो जाएगी। हाँ, सिर्फ इस बटन को दबा के। गुड, के अलग अलग फायदे, अगर आप उतर के जा रहे हैं तो लाइट तक दिख जाएगी आपको, इंडिकेटर आपको ORVM में मिल जाएंगे। इस मॉडल में जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिल जाते हैं आपको, चारों पावर विंडो मिल जाएंगी और टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा इसमें आपको, इनोमिलिटेड लोगो के साथ। जब आप इग्निशन ऑन करेंगे ये वाला पावर। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ टाटा न्यू व्हीकल्स जो अभी उन्होंने चेंजेस किया है टाटा ने, तो इस तरीके का ये इल्यूमिनेटेड यहाँ पे लोगो मिलता है, मिल जाता है, टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील आता है, हरमन का वही 7 पॉइंट मतलब म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा, इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको, एयर बैग। तो ये नेक्सॉन का कौन सा वर्जन है भैया? ये स्मार्ट प्लस एस, स्मार्ट प्लस एस का वर्जन है और इसमें ये सनरूफ भी है। हाँ, ये वॉइस असिस्ट सनरूफ है, वॉइस असिस्टेड सनरूफ है, वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं आप सनरूफ ओपन करने के लिए, वो भी हम टेस्ट उसका करेंगे। यस, ये मैनुअल भी है और वॉइस असिस्ट भी है। दूसरी चीज जो आएगी इसमें वो है इसकी सेफ्टी, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग थी, अब ये है 6 एयरबैग में आपको मिल जाएगी, स्टैंडर्ड कर दिया है टाटा ने नेक्सॉन के लिए। करेक्ट, तो अब से जो न्यू वर्जन आ रहा है, जैसे पहले 2 एयरबैग्स थे ड्राइवर और को ड्राइवर, अब ड्राइवर और को ड्राइवर के अलावा लेफ्ट साइड में 2 बटन्स हैं और राइट साइड में 2, तो मतलब 6 एयरबैग बेसिक फीचर्स हो गए टाटा की गाड़ियों में। ड्राइविंग मोड में ही इको सिटी स्पोर्ट मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें 3 मोड्स हैं, वो मोड वाले मैं आपको बटन्स दिखा दूं। करेक्ट, हाँ जी, इसमें आपको सार्कफिन एंटीना मिल जाएगा, बैक प्रोफाइल चेंज कर दी गई है इसकी LED, और बूट स्पेस जो है इसका वो सही होगा। करेक्ट, 368 लीटर का कर दिया है, बूट स्पेस बहुत ही अच्छा है, 368 लीटर पिछले वाले से बढ़ा दिया है ना। हाँ, पिछले वाले से नेक्सॉन से वो 350 का था या 368 है, और ये कंप्लीट सीट ऐसे फोल्ड हो जाएगी। हाँ, अगर हम इसके स्पेस को भी यूज करना चाहें बूट स्पेस के रूप में, करेक्ट कर सकते हैं। ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाएगा इसका वही 208 mm का, 208 mm का ड्राइविंग क्लियरेंस इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है। हाँ, वेरी गुड, 195/60R 16 इंच के इसमें व्हील मिल जाएंगे। अच्छा, पावर जनरेशन की अगर मैं बात करूँ तो पावर जनरेशन क्या तकरीबन इसमें प्रोड्यूस होता है? पावर जनरेशन इसमें मिलेगा 12 cc टर्बो चार्ज इंजन। ओके, जो 3 सिलेंडर रहने वाला है, 3 सिलेंडर है इसमें, आपको रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाएंगे, ऑटो हेडलैम्प मिल जाएंगे। अच्छा, रेन सेंसिंग वाइपर भी हैं इसमें, मतलब ऑटो रेन सेंसिंग, जैसे ही बारिश होती है तो वाइपर काम करना स्टार्ट कर देगा, सेंसर बेस्ड है। टाटा की बिल्ड क्वालिटी, ये ABS, ये कूलेंट का हो गया आपका, ये वाइपर के पानी का हो गया, और ये मिल जाएगा ब्रेक ऑयल के लिए, ये ब्रेक ऑयल के लिए, और इंजन ऑयल जो है यहीं से चेंज होगा, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं, करेक्ट।
बैटरी की जो वारंटी आएगी वो लगभग 15 मंथ या फिर एक्सटेंड करा के 18 मंथ बैटरी की, और गाड़ी की जो आएगी वो 3 साल 1 लाख किलोमीटर आएगी, 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर पहले हो जाता है तो वहाँ तक एक्सटेंड भी करा सकते हैं आगे नेक्स्ट। अच्छा, आगे एक्सटेंड भी करा सकते हैं, वो भी प्रोविजन है, गुड। फिर ये हो जाएगी लगभग 5 साल 1.25 लाख किलोमीटर। तो ओवर यू ऑल ये था कंप्लीट पैक है ये सेफ्टी का। यस, बिल्ड क्वालिटी टाटा की बहुत जबरदस्त है और जबरदस्त मॉडल निकाला है। हाँ, तो अब जैसा कि रिवील हो गया कि टाटा नेक्सॉन है, अब कैसी फीलिंग है हमारे ओनर की वो पूछते हैं। फीलिंग तो बहुत अच्छी आ रही है गाड़ी, अभी मेरे को एक इसकी लॉन्ग ड्राइव भी है, अभी बिजनौर से मुरादाबाद आएंगे। हाँ, तो ये खुद ही ड्राइव करके जाएंगे, अभी टेस्ट ड्राइव हो जाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा चलाने में। सो अल्टीमेटली आज वो सुपगढ़ी आ गई, जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे के साथ। जब शुभम शुभम भाई अपने शुभ नाम के साथ अपने शुभ हाथों से अपने इस न्यू टाटा नेक्सॉन एस प्लस प्योर स्मार्ट प्लस एस की टेस्ट ड्राइव लेने जा रहे हैं, और ये हम सभी साथी बंधु यहाँ पे बैठे हैं, सभी साथी बंधु यहाँ पे बैठे हैं, और जिसमें मैं भी एक हूँ। प्लीज दबा के स्टार्ट होगी। अच्छा, तो हाउ इज द ड्राइविंग ये बताओ आप। गुड गुड। हाउ इज द ब्रेकिंग? एक्सीलेंट एक्सीलेंट, तो परफेक्ट है। शुभम भाई ने पास कर दिया इसे गाड़ी को चला के। एसी अल्टीमेट है, अल्टीमेट एसी। खैर टाटा की एसी तो खैर अल्टीमेट है, नो डाउट, वो तो मैं भी फील कर रहा हूँ। सिब्बू हाउ इज द जोश? हाय सर, हाउ इज द जोश? हाय सर, हाउ इज द जोश? हाय सर। पापा मैंने गाड़ी ले ली, और मेरे पापा का बहुत ड्रीम था कि वो गाड़ी लें, बट जब तक हैं हम दोनों टेंशन ना, गाड़ी में हर काम करेंगे हम, बस हो गया। तू बोल, हम दोनों भाइयों ने मिलके जो है गाड़ी ले ली है, और पापा आपका सपना हमने पूरा करा है, बस अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए, बस हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें, बस हम यही चाहते हैं कि हम दोनों भाई बहुत तरक्की करें, और पापा आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। आई लव यू पापा। हमने आज गाड़ी ले ली है, और इसी बात पे हम एक बात कहना चाह रहे हैं। और ये खड़ी है अपनी पंच, ये नेक्सॉन। सड़कों पे टाटा ही टाटा। चलो तो मुझके हो रहे हैं।